सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैन समाज विभिन्न संप्रदाय में बट गए तो आप जानते ही हैं, श्वेतांबर दिगंबर से बात थी और अब कई शाखाएं उपशाखाएं बन गई थी। एक श्वेतांबर भाई आते हैं, जिज्ञासु पिपासु आते हैं, दिगंबर के साहित्य पढ़ते हैं और सचमुच कहते हैं लट्टू हो जाते हैं। कहते हैं सचमुच वास्तव में सही धर्म सही मार्ग तो यह दिगंबरत्व का ही है और फिर जनमानस को उस ओर जोड़ते हैं। आप जानते हैं ग्रंथ समय सार सरल भाषा में सबको बताने लगते हैं और फिर उनका देवलोक हो जाता है और देवलोक होने के बाद उनके बारे में जो भ्रांतियाँ थी कहते हैं एक दिगंबर ग्रंथ से एक नई शाखा निकल आती है और वह शाखा ऐसी होती है जो सीधा बात करती है कि वो कुंद कुंद काहन पंथ बना देते हैं, यानी कुंद कुंद आचार्य के बाद सब सारे पूर्वाचार्य सब हटा दिए जाते हैं। कहते हैं पंचम काल में कोई आचार्य नहीं होता, कोई मुनि नहीं होता, इस तरीके से एक बहुत बड़ी दीवार खींच जाती है और आज समाज क्या करता है फिर उनके साहित्य को अपने मंदिर में रखने को मना किया जाता है, उसको पढ़ने को मना किया जाता है। क्या यह उचित है कि जो श्वेतांबर भाइयों से निकल के दिगंबर में आया उसकी बात करी और फिर उसके ही साहित्य को हटा दिया जाता है? एक सवाल तो आता है कि उसने हमारे वर्तमान के अतीत के सब आचार्य को दरकिनार कर दिया और एक नया कर दिया। उसने कर दिया 25वें तीर्थंकर की बात कर दी, सूर्य कीर्ति तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर हैं, एक नई भाषा शुरू कर दी। तो क्या यह उचित है कि हम कान्हे स्वामी जी को माने या ना माने, श्वेतांबर के समाज से आकर दिगंबरत की उन्होंने पहचान की भूमिका करी, हम यह समझते हैं। उन्होंने एक नई परिभाषा दे दी, लोगों में समयसार की सरल भाषा में पढ़ाना शुरू कर दिया, उपलब्धि दी। क्या सही रही, क्या गलत रहा, क्या दिगंबर समाज का नुकसान हुआ, कभी हम इस बारे में चिंतन नहीं कर पाते हैं। मन एक श्रावक ने इसी तरह ये सवाल पूछ लिया जो हर के हृदय में कचोटता है कई बार कि हम ही भाई अलग हो रहे हैं, एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं, एक दीवार खींच रहे हैं, क्या कान्हे स्वामी जी को दिगंबर स्वरूप में मानते हैं, सही करते हैं, गलत करते हैं, कैसा करना चाहिए, क्या क्या हुआ, एक बार यह बात जानकारी लीजिए। पूरे इतिहास को 2-3 मिनट के अंदर मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने शंका समाधान में जिस तरह शब्दों में बांधा वह सचमुच जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, जन जन के लिए। जरा सुनिएगा कितना सही कितना गलत कान्हे स्वामी जी ने जो किया। अगर कोई व्यक्ति हमारे तत्व से प्रभावित होकर हमारे धर्म को स्वीकार करता है तो हमें उन्हें हृदय से लगाना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में कोई व्यक्ति हमारे तत्व का ही विप्लव कर देता है तो दूरी रखनी चाहिए। जब ये बात आई सूर्य कीर्ति तीर्थंकर भावी तीर्थंकर घोषित किया गया, जिस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं उनके द्वारा जो समय समय पर दिए गए उद्गारों पर समाज ने आपत्तियां की, समझ गए, जिनका उल्लेख मैं इस मंच से कहना नहीं चाहता, लेकिन उस पर एक केस हुआ मुंबई के कोर्ट में। तो मुंबई के कोर्ट में जब केस हुआ तो केस में एक बात आई, उस समय उनके तरफ से वकील थे जगदीश मेहता, उनसे जब कहा गया कि दिगंबर परंपरा में 24 तीर्थंकरों के अलावा और कोई तीर्थंकर नहीं होते, तो आपको पता है क्या दलील दी गई, किसने कहा हम दिगंबर हैं, हमने तो दिगंबरों से तत्व लिया है, हम चाहे जिससे धर्म पालन कर सकते हैं। तो फिर आप बताइए वो दिगंबरों में आए या दिगंबरों में से नमारी किए। दिगंबरों में आज हमारी लोग तो हमारे भाई बंधु तो हमसे दूर हुए, आज समाज में विभाजन की रेखा एक नए पंथ की शुरुआत किसने की, इसका मूल किसने नींव किसने रखी, इसी के बल पर तो एक नया पंथ बना। तो ऐसी जगह में समाज को सावधान करना और सावधान समाज का सावधान रहना निहायत जरूरी है, नहीं तो तत्व का विप्लव होगा। हमें किसी से द्वेष नहीं करना, विभिन्न पंथ है, विभिन्न मान्यताएं, पंथ को अलग पंथ के रूप में देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस पंथ का जो अनुयायी उस पंथ की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो कि किसी भी भटकाव और बहकाव में कोई आ जाए तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। आज कहा जाता है पंचम काल में कोई मुनि नहीं होते, आज के मुनि जितने हैं सब नकली मुनि हैं, क्या आप मानने को राजी हैं? ऐसे साहित्य को अपने मंदिरों में रखकर अपनी भावी पीढ़ियों को भ्रमित करना चाहोगे आप?
तो अगर इन सब चीजों को रोक लगाने की बात की जाती है तो क्या गलत है? ये बतासे में जहर दिया जाता है तो जिस बतासे में जहर दिया जाता है, बतासा कितना भी मीठा, उसे फेंक देना चाहिए, उसे पास रखने का काम नहीं, समझ गए? इसलिए ये सब चीजें सुनने में अच्छी लगती है, पूरे इतिहास को पलट कर देखिए, इससे हमारी समाज को कितना नुकसान हुआ इसको भी देखिए। आज दिगंबर समाज का एक वर्ग दो भागों में विभक्त हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी मुख्य धारा चली आ रही थी, उस मूल आमनाई की धारा को विभाजित किसने किया, इसका जवाबदार कौन हुआ? जब जिस ट्रस्ट की बात आपने की, उस ट्रस्ट के संविधान में क्या लिखा, उसके संविधान में, उसके ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा गया? कुंद कुंद दिगंबर जैन भगवान महावीर के द्वारा प्रवर्तित जैन धर्म नहीं, कुंद कुंद कहान द्वारा प्रवर्तित जैन धर्म का प्रचार प्रसार। तो आप बताइए, कुंद कुंद और कहान बीच के आचार्य कहां चले गए? समझ गए? तो इतिहास को पढ़िए, आप युवा हो, बहुत अच्छी बात है, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती। मैं पंथवाद में बिल्कुल नहीं पढ़ता, लेकिन ये मानता हूं कि जिन शासन में कहीं से भी क्षति नहीं होनी चाहिए, इससे जिन शासन को क्षति पहुंची है, ह्रास हुआ है, बहुतों का रास्ता बंद हुआ है, बहुत लोग भ्रमित हुए हैं, तो उनसे हमें बचाना और बचना अपनी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है। कई लोग हैं, कई लोग भटके भटके हैं, ये तो परम पूज्य गुरुदेव का उपकार है समाज पर कि आज पूरी जैन समाज, खासकर दिगंबर समाज का उद्धार हो गया। वो नहीं होते तो पूरी समाज मुनि भूरी बन जाती, समझ गए? इसलिए आओ अपनाओ, गले भी लगाओ, पर ऐसे को जो तुम्हारे साथ तुम्हारा अपना बन सके, ऐसों को नहीं जो गले तो लगाए पर संक्रमण की बीमारी भी दे जाए, समझ गए? उस बीमारी से समाज को बचाना है, ये संक्रमण ने समाज का बड़ा नुकसान किया।